हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एमी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही ट्रेंडी वेल नोन टॉपिक, दैट इज सीट साइकिलिंग। गाइस, सीट साइकिलिंग को लेके देयर आर मेनी थ्योरीज, तो अभी तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट प्रैक्टिस हैज बीन अराउंड। सो जब मुझे पता चला सीट साइकिलिंग का, तो मैंने इस पे बहुत स्टडी की एंड आई थॉट लेट्स प्रैक्टिस सीट साइकिलिंग फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैंने सीट साइकिलिंग प्रैक्टिस की फॉर 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं वो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। दो आई डू नॉट हैव एनी हेल्थ इश्यू, बट स्टिल आई थॉट लेट्स प्रैक्टिस दिस सीट सेटिंग, क्योंकि इतनी सारी जब थ्योरीज हैं तो एटलीस्ट कुछ तो बेनिफिट होगा बॉडी में। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 मंथ्स प्रैक्टिस करने के बाद मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। प्लस आज मैं आपके साथ एक और रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, शी हैज PCOD, so I suggested her please go for seat cycling, practice it at least for 3 months and do let me know कि आपकी body में क्या changes आए हैं। But I suggested her do workout as well, क्योंकि without workout तो आपका PCOS ठीक नहीं हो सकता है। Plus diet जो आगे मैं आपके साथ share करूँगी। So she practiced seat cycling for 3 months plus workout plus the diet. So guys, आज मैं यही share करूँगी आपके साथ कि उसका result क्या था after 3 months। प्लस माई मदर हैज थायराइड, सो आई ऑल्सो सजेस्टेड हर मम्मा गो फॉर सीट साइकिल, एटलीस्ट प्रैक्टिस दैट एंड डू लेट मी नो कि क्या बॉडी में रिजल्ट आता। तो शी प्रैक्टिस्ड फॉर 1 मंथ और 1 मंथ में क्या उनके बॉडी में चेंजेस आए हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फॉर देम जो पहली बार सीट साइकिलिंग को सुन रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं सीट साइकिलिंग होता क्या है। सो बेसिकली सीट साइकिलिंग करता क्या, ये आपका बैलेंस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। सो बेसिकली अगर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं वजह से होती हैं। सो सीट साइकिलिंग इनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। गाइज, आई कीप इट वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी, सिंपल तरीके से समझाती हूँ। गाइज, सीट साइकिलिंग बेसिकली आपको क्या होता है, 4 सीट्स होती हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी होती हैं और इन 4 सीट्स को आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लेना होता है। सो हम फॉलो करते हैं 28 डेज का साइकिल। तो 1 to 14th day यानी कि फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड प्लस 14th day ऑफ योर पीरियड आपको अपनी डाइट में 2 सीट्स को इंक्लूड करना होता है, प्लस 14th day to 28th day आपको डिफरेंट 2 सीट्स लेनी होती हैं। सो 2 फेजेस होते हैं, एक होता है फॉलिकुलर फेज जो 1st to 14th day का होता है एंड ल्यूटियल फेज जो होता है आपका 14th to 28th day। सो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होता है सीट साइकिलिंग। नाउ गाइस, यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट दोस पीपल जिनको इररेगुलर पीरियड्स हैं वो कैसे पता लगाएंगे कि उनका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स कौन सा है। तो आई वुड सजेस्ट देम कि आप यहाँ मून कैलेंडर फॉलो करेंगे। यस, मून कैलेंडर। आप क्या करेंगे, जिस दिन न्यू मून होता है उस दिन को आप अपना फर्स्ट डे ऑफ पीरियड मानेंगे टिल योर फुल मून, यानी कि न्यू मून टू फुल मून मींस 1 day to 14th day एंड जस्ट सेम एज विद द सेकंड फेज, फुल मून टू न्यू मून मींस 14th day to 28th day। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे सीट साइकिलिंग को। सो जो आपका फॉलिकुलर फेज है, जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट डे टू 14th day, इसमें आप सीड्स लेंगे फ्लैक्स सीड 1 tablespoon प्लस पम्पकिन सीड 1 tablespoon। इन दोनों को आप मिक्स करेंगे एंड आपको एवरी डे ये लेना है। एंड सेम एज विद ल्यूटियल फेज, इस वाले फेज 14th day to 28th day आपको लेनी है सेसमी सीड प्लस सनफ्लावर सीड, दोनों आपको 1 tablespoon लेने हैं एंड एवरी डे। अब इन सीड्स को लेना कैसे है और कब लेना है ये मैं वीडियो के एंड में आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना रिजल्ट जो मैंने सीड साइकिलिंग प्रैक्टिस की फॉर 4 मंथ्स, उसके बाद मेरी बॉडी में क्या चेंजेस थे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चेंज जो था, वेट रिडक्शन। यस, 4 मंथ्स बैक आई वॉज 56 kgs एंड राइट नाउ आई एम 53 एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं एक दूसरी जगह से नई जगह शिफ्ट हुई हूँ। तो इस शिफ्टिंग के दौरान ना मैंने वर्कआउट किया ना मैं एक अच्छी खासी डाइट को फॉलो कर पाई, बट स्टिल मेरा वेट रिडक्शन हुआ क्योंकि मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया है सीट साइकिलिंग। एवरी डे आई यूज टू टेक सीट्स एंड आई केम डाउन टू 53। प्लस द सेकेंड चेंज आई सॉ, दैट इज द ग्लो इन माई फेस। यस गाइज, सीट साइकिलिंग प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ग्लो काफी ज्यादा नोटिस किया है।
प्लस मैंने ये भी देखा है जो इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से एक्ने आते थे वो भी कंट्रोल में है। प्लस द नेक्स्ट थिंग विच आई नोटिस दैट इज हेयर फॉल कंट्रोल। यस गाइस, हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल में है बिकॉज आफ्टर एवरी 3 ईयर्स आई हैव टू मूव टू अदर प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो इस वजह से पानी का डिफरेंस होता है, वेदर का डिफरेंस होता है, प्लस बहुत सारी चीजें होती हैं, बट स्टिल मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में है। अदर थिंग विच आई फेल्ट इज मोर एनर्जेटिक। यस, आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक ऑल द टाइम गाइज। चाहे मैं वर्कआउट कितना भी करूं या नहीं भी करूं, मैं कभी भी लथार्जिक फील नहीं करती। एक अलग लेवल में एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ है। प्लस पीरियड्स मूड स्विंग में भी मैंने काफी अच्छे चेंजेस देखे हैं। सो गाइज, ये सारे चेंजेस मैंने अपनी बॉडी में देखे व्हेन आई प्रैक्टिस सीट साइकिलिंग। गाइस, इट्स रियली फन बॉडी एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैज पीसीओडी। शी प्रैक्टिस फॉर 3 मंथ्स दिस सीट साइकिलिंग। अब मैं आपको उसका रिजल्ट बताती हूँ कि क्या था। सो आफ्टर 3 मंथ्स उसने टेस्ट कराया पीसीओडी का एंड उसको पीसीओडी नहीं था। यस, पीसीओडी विद इन 3 मंथ्स उसका ठीक हो गया। इस सीट्स के साथ मेडिसिन मैंने उसको कहा था कि आप नहीं लोगे एंड शी डिड टेक इट। ओनली सीट साइकिलिंग करके ही पीसीओडी ठीक हो गया। यस गाइस, बिकॉज ऑफ दोज बर्थ कंट्रोल पिल्स शी गॉट एमेनोरिया, वो उसका ठीक हुआ। प्लस वेट रिडक्शन इतना अच्छा हुआ है बिकॉज ऑफ दोज पिल्स। उसकी बॉडी जो है बिल्कुल ब्लॉटेड एंड पफी रहती थी, तो वो चीज खत्म हुई है, वेट रिडक्शन हुआ है, पीरियड्स रेगुलर हुए हैं, एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ है, प्लस पीरियड्स क्रैम्प्स नहीं होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थायराइड रिजल्ट। सो माय मॉम फॉलोड इट फॉर 1 मंथ, जस्ट 1 मंथ, बट 1 मंथ के बाद ही थायराइड लेवल काफी हद तक ठीक हुआ है। प्लस जितना भी पिगमेंटेशन था बॉडी में वो सब गया है, फटीगनेस जो थी वो खत्म हुई है, प्लस कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है एंड शी रिड्यूस्ड 2 kg इन 1 मंथ। सो गाइज, ये रिजल्ट्स थे सीट साइकिल को प्रैक्टिस करने के बाद। बट गाइज, ऑलवेज रिमेम्बर, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो चेंजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड सीट साइकिलिंग, क्योंकि सीट साइकिलिंग से डेफिनेटली रिजल्ट तो अच्छे आते हैं। एंड प्लस जिसको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, प्लीज गो फॉर सीट साइकिलिंग, क्योंकि यह आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कोई नुकसान तो है नहीं सीड्स लेने में, इट्स ऑलवेज गुड टू कंज्यूम गुड फैट्स, सो गो फॉर इट। नाउ आई विल टेल यू कि आप अगर सीड साइकिल को प्रैक्टिस करते हैं फॉर 3 मंथ्स तो कितना खर्चा होता है। तो अराउंड आपका 2500-3000 का खर्चा होगा। तो आई वुड से गो फॉर इट, इट्स वर्थी। एटलीस्ट सी कि आपके क्या चेंजेस आते हैं एंड इट्स ऑलवेज गुड कंज्यूमिंग गुड फैट्स। प्लस फ्लैक्सीड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, सो फॉर वीमेन इट्स मैंडेटरी। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि सीट साइकिलिंग को कैसे प्रैक्टिस करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ सीट साइकिलिंग चार्ट, प्लीज उसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लें। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको इसको कब लेना है और कैसे लेना है फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं टाइमिंग आपको बताती हूँ ये कब लेना है। मॉर्निंग में उठते ही आपको लेना है एम्प्टी स्टमक। फर्स्ट डे से आप शुरू करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड और न्यू मून ऑफ द डे। तो इन सीड्स को आप 2 तरीके से ले सकते हो। जो फर्स्ट ऑप्शन है मैं वो बताती हूँ, आप मॉर्निंग में उठते ही 1 tablespoon फ्लैक्सीड ले लें प्लस 1 tablespoon पम्पकिन सीड ले लें, या फिर आप 1/2 tablespoon फ्लैक्सीड ले लें एंड 1/2 tablespoon पम्पकिन सीड ले लें एंड डिनर के बाद सोने से पहले आप अगेन ले लें 1/2 tablespoon फ्लैक्सीड एंड 1/2 tablespoon पम्पकिन सीड। तो इस तरीके से बेटर रिजल्ट आएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से लें, क्योंकि इस तरीके से ही मैंने फॉलो किया था और बाकी सब ने भी इसी तरीके से फॉलो किया था। नाउ सेम एज विद द ल्यूटरल फेज, यानी कि आपका जो 14th डे रहेगा और आपका जो फुल मून डे रहेगा, उस दिन आपको क्या करना है, आप लेंगे सेसमी सीड प्लस सनफ्लावर सीड। इसी तरीके से लेंगे 1/2 tablespoon 1/2 tablespoon इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक एंड डिनर के बाद द सेम वे। Now let me give you a tip here guys. अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट, तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आप इनको ग्राइंड करके लें। इन सीड्स को रोस्ट नहीं करेंगे, ग्राइंड करके लेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। आप ग्राइंड करके इनको किसी भी ग्लास बॉटल में स्टोर कर सकते हैं फॉर 2 days, नॉट मोर देन 2 days गाइज। 2 days तक आप इनको स्टोर करें एंड जैसे ही 2 days हो जाता है देन आप अगेन इनको ग्राइंड करें। तो 2 days से ज्यादा स्टोर करके ना रखें। प्लस जिनको भी थायराइड है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी अगर आप इन सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो प्लीज
सोक करके कंज्यूम करें, 1 घंटा आप इसको सोक कर लें एंड देन उसके बाद कंज्यूम करें, बिकॉज थायराइड वालों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो अगर सीड्स आप सोक करके लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इनफैक्ट आपका बेटर करेगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा ये समझने में कि सीड साइकिल करना चाहिए या नहीं, और अगर करना भी है तो किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सो गाइज, जो हेल्दी है, जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी सीड साइकिलिंग प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट विल बूस्ट योर इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, प्लस इट इज एसोसिएटेड विद द लोअर रिस्क ऑफ कैंसर, एंड ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करेगा एंड ब्लड शुगर लेवल भी कम करेगा। बट गाइज, जिनको पीसीओडी है, मैं उनको एक बात क्लियर कर देती हूँ, ओनली सीड साइकिलिंग से आपको रिकवरी नहीं मिलेगी, यू हैव टू फॉलो प्रॉपर वर्कआउट प्लान, आपको वर्कआउट भी करना है प्लस डाइट में भी चेंजेस लाने हैं। डाइट का मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको मैदा नहीं लेना है, आपको कोई भी फ्राइड फूड नहीं खाना है, प्लस आपको स्पाइसेस बिल्कुल नहीं लेने हैं फॉर 3 मंथ्स, नो ब्लैक पेपर, नो लाल मिर्च, नो हरी मिर्च, किसी भी तरीके की कोई भी मिर्च आपको नहीं लेनी है, आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। प्लस प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिशन डाइट से आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका वेट रिडक्शन होगा, प्लस आपका जो बेली फैट है बिकॉज ऑफ पीसीओडी एंड ऑल दोज बर्थ कंट्रोल पिल्स से वो भी कम होगा, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस हार्मोन आपका बेली फैट भी आ जाता है जो कि नहीं जाता है इजली, बट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स डू दिस सीड साइकिलिंग वर्कआउट प्लस डाइट। डाइट मैंने आपको बता दी किस तरीके की लेनी है, सो डू इट एंड 3 मंथ्स के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। सो गाइज, बाय बाय, आई सी यू नेक्स्ट वीक।